तुसी बंदे रखे ने माल डंगर नू पट्ठे वढ़ के पाण वास्ते, बंदे जेड़े ने उन्हां दी पेशगी रकम देनी पैंदी है, तीन तीन चार चार लाख रुपया जेड़ी उन्हां दी पेशगी रकम देनी पैंदी, उन्हां नू महाना तनखाह देनी पैंदी है, डेली दुध भी देना पैंदा, कोई ईद शबरात भी देनी पैंदी है। इस मशीन नू वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिमीदार इहनू खरीदे, एक मज दे मुल दी है कीमत है, इस मशीन दी जेड़ी कीमत है सिर्फ एक भैंस दा मुल है। वह बेशक वो 300 एनीमल है, 300 जानवर ने ना, वो वास्ते एक मशीन वादे ने, भावें 2 एकड़ रोज़ के पट्ठे कटाई करने ने ना, ये मशीन मायूस नहीं करेगी, सारा साल चलेगी, सारे साल के चारा जात दे विच बरसीम आ जाता, ज्वार आ जाता, मकई, बाजरा, सुआंकी, घा बूट भी होवे किसी पैली दे विच, पैली गिली भी होवे ते इहनू कोई परवाह नहीं हुंदी कटाई करन दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की चाहे डेयरी इंडस्ट्री होए या एग्रीकल्चर, रिपर पूरे साल के 365 दिन की हर दिन की जरूरत है। अगर तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की गल करिए तो ज्वार, बाजरा, गंदम, मकई, चारा जात, ये रोज़ का वढ़ने वाला काम है, या हर महीने कोई नवी फसल या हर 2 माह बाद नवी चीज़ की कटाई आ। और अगर असी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जाइए तो रोज़ ज्वार, रोज़ बरसीन, रोज़ शटाला वढ़ना जानवरों वास्ते लाजमी तो जरूरी आ। ईद शबरात वाले दिन भी इस काम की छुट्टी नहीं, जिड्डी जरूरी ये चीज़ है उस तरह ही रिपर की जरूरत इस इंडस्ट्री के अंदर, ये रिपर इस इंडस्ट्री के अंदर लाजम तो मलजूम आ। अज जानते हैं कि रिपर किन्नी कपैसिटी वाला, 100 या 50 डंगर वाला बंदा वे जिंदे 50 या 40 जानवर ने, कि रिपर उन्होंने लेना चाहिए, इस रिपर लैन से एक बार खर्चा किन्ना आएगा, तो एक किला कट्टन ते किन्ना खर्चा आएगा। अगर कोई मजदूरी वास्ते ज्वार, बाजरा, मकई, शटाला मजदूरी वास्ते वढ़ना चाहता है और गंदम की मजदूरी करना चाहता है, वो बंदा केड़ा रिपर लेगा, केड़ा मॉडल लेगा, और वो मॉडल पर एकड़ किन्ने खर्चे दे अंदर कटाई करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल जी, की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी, सब तो पहले तो ये दसो कि तुहाडा नाम की है, तुहाडी इंडस्ट्री का या कंपनी का नाम की है? मेरा नाम माजिद मुनीर है, सोबी एग्रो नूं असीं प्रेजेंट करने आ पे, ते साडा ब्रांड है KPR, KPR कंपनी दा ये रैपर है, ठीक है, ये चाइना तो मैनुफैक्चर किया गया, असीं इंपोर्ट करके इहनूं सेल करदे आ, 5 साल हो गए ने सानूं वेचदे। सब तो पहले तो ये दसो कि रिपर दे अंदर किन्नियां वैरायटियां या किन्नी लॉट तुहाडे कोले मौजूद है? जिहड़ी इह मशीन साडे कोल मौजूद है ना, इस दे अंदर साडे कोल 5 डिफरेंट मॉडल ने, ठीक है जी, उहदे विच रैपर हैड दा वी फर्क है, इंजन दा वी फर्क है, ठीक है। इस मशीन नू विच इस तरह के मॉडल ने जिहड़े खास गंदम ते चावल या 3 फुट तक दी फसलां वढ़न वास्ते ने, कोई मॉडल ऐसे ने जिहड़े कोई 10 फुट दी फसल तुहां वढ़नी है ना, जिहदे विच मकई, ज्वार या बाजरा है, हाइट वाली फसल है, उहदे उत्ते भी वो कामयाब ने। यह मशीन जिहड़ी है ना, डीजल इंजन ते भी अवेलेबल है, पेट्रोल इंजन ते भी अवेलेबल है, सेल्फ स्टार्ट ते किक स्टार्ट मॉडल भी साडे कोल मौजूद ने, मतलब के जिंदे उत्ते बैक ड्राइव करने वाले मॉडल भी है ने, या सीट भी, सीट जेड़ी है ना हर मॉडल दे नाल लग सकदी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, लेकिन इस मशीन नू जे पिछे तुर के चलाया जाए ना, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा। जल्दी कटाई करती है, मतलब कि इनू हैंडल कीता जाए, हैंडल करना बहुत आसान है, इनू एक क्लच हां कुटना नहीं, एक टायर ते घूम जाना, सही हो गया। अच्छा दसो कि केड़ी केड़ी चीज़ की कटाई इन की जा सकती है, केड़ी केड़ी चीज़ की कटाई इन नहीं की जा सकती? मेरे ख्याल कटाई की ना असी किंग मशीन कहेंगे, बादशाह कटाई की, कटाई बहुत खूबसूरती ना करती है, ता तुहाडी वो फसल सुकी है, गिली है, या वो मतलब ये कि छोटे कद की है, 1 फुट की है, 6 इंच की है, या कि वो वड्डी 10 फुट की है, कटाई इन्हें लाजमी करनी है। 2 फसलों छड़ के जिहड़ी एक झुंड दे विच होवे, जिवें कि कमाद या नैपियर है, एक कमाद की वरायटी है ना, जे वो झुंड दे विच आंदा तो फस जाता, ठीक है ना, उहदी कटाई नहीं कर सकती। दूसरा एक कपाह, उहदी छिटी बड़ी सख्त हुंदी है, वो नहीं कटाई हुंदी, वो तो टोकी तो भी नहीं उड़ेंदी। अच्छा दूसरा दसो कि रिपर तुहाडे कोलों कम अज कम तो ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने रुपये वाला मौजूद है? ऐसे मॉडल से असं गल कर रहे हैं, अज साढ़े कोल इस कंपनी का जो मॉडल है ना, 4.5 लाख तो शुरू होंगी है कीमत यदि, तो इस तरह फर्को फर्की जाते हैं, तो ये 5,85,000 रुपये तक जो ना इन्हों रेट ने। रिपर एग्रीकल्चर या डेयरी इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? मैं गल दसना वा, वक्त के नाल नाल बंदियां दे विच वो कपैसिटी नहीं रही मेहनत मशक्कत करने वाली, ठीक है ना, जिस बंदे ने माल डंगर रखे है ना, उन्हें बंदे रखे ने उन्होंने फीड करने वास्ते, चारा वढ़ते हैं, कुतरते हैं, पाते हैं, सारे काम होंगे ने, तो बंदे औखे होंगे ने, ये फिर जो तनखावें बहुत घट होंगे ने, फिर उन्होंने पेशगियां देनिया पैंदियां ने, यानी जिमीदार का बहुत ज़्यादा खर्चा बंदे रखने उत्ते हुंदा। अल्लाह की कसम चुक के मैं गल करना वा कि बंदे डर जाते हैं बंदे हाथों माल डंगर वधाना ने।
अच्छा ये हुण ये तो हो गया डेयरी या जानवरों के फार्मिंग एग्रीकल्चर अंदर आईए तो रिपर तो एक बंदा बिजनेस करता है साल के किन्ने सीजन लगते हैं साल के ना ये दो तो मेजर सीजन होंगे ने एक तो चावल का होंगे एक होंगे गंदम का ठीक है ना दो ये एक्सट्रा होंगे ने इलाके के हिसाब न जिमें कि साडा जो सियालकोट या गुजरांवाला लाहौर वाला एरिया है ना नारोवाल इस साइड से शटाला बड़ा काश्त हूँ है जिहड़ा कि लाहौर डिवीजन च बड़ा कंज्यूम होंगे एनीमल ज्यादा ने इतने शटाले का भी तुम मजदूरी कर सकते हो फिर थोड़ा जहा चले जाइए आरफ वाला तो दूसरे तीसरे काढ़े वाली साइड से इन्होंने इलाके तेल बहुत ज्यादा लगते हैं जेडे इलाके भी इस्तेमाल तेल की भी कटाई कर सकता है एक ऑफ सीजन जहाँ काम होंगे मतलब है कि अगर इनू कहो कि 12 महीने इनके नाल चलता है कहना कि एक बंदा इन मजदूरी वास्ते लैंदा है ना एक कणक का सीजन वो ला लवे ना नीयत नाल ते इहदे पैसे भी पूरे कर लैंदा ते बाकी सारा साल इहदे तो अच्छा खासा कमा सकदा है सर जी ये मॉडल जिहड़ा है ये एक किला किन्ने टाइम च वढ़ देगा ते एक किले का किन्ना पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करेगा सर जी ये एक घंटे के अंदर एक एकड़ की कटाई करता है ठीक है ना ते इस तरह का पायदार है एक बंदा चलांदा होवे सारी दिहाड़ी वह बंदा रहे बंदे थक जाते हैं चलता रही पर दूसरा बंदा फड़ लवे उन्हें साह देने की लोड़ नहीं है ठीक है एक दिहाड़ी च किन्ने एकड़ एक दिहाड़ी दे विच 8 एकड़ की कटाई साडा कस्टमर करता है असीं उहदे कोलों फीडबैक लैके ते दसने आ एक एकड़ की कटाई की मजदूरी किन्नी आ ते और अजकल सर जी हुण जिवें आ रहा ना साडा सीजन आ रहा है चावल की फसल की कटाई का तो 4500 या 5000 रुपया एकड़ की जिहड़ी है ना वह कटाई लैंदे ने ते उहदे अंदर पेट्रोल किन्ने दा पेट्रोल जिहड़ा ना 2 to 2.5 liter लग जांदा मतलब है कि 600 का पेट्रोल लग गया 600-700 का पेट्रोल लग जाता है बाकी मशीन की बाकी मेंटेनेंस पा के 10-1200 रुपया खर्चा है बंदे नू काट के मतलब कि 4500 दे विचों 3000 रुपया उंदी बचत ते ओ नियत नाल काम करे ते 8 एकड़ कटाई करे ते असी ये क्लेम करदे आ कि 1 महीना चल जाए मशीन ते पैसे पूरे कर जांदी है सही और तुसी कहा कि एक मज दे मुल दी ये मशीन आ हां जी लोगों नू इस बात दी ये गल हजम नहीं आउणी नहीं हजम होंगी है कि मझा तो हम देखा जाए तो 7-8 lakh दी भी हो लाख दी भी हो गल बड़ी उच्ची कर दी मझा तो 22-22 lakh दी मझा तो बहुत महंगी ने इस तरह है कि एक आम मझ की असं जो क्लीयर करिए एक आम मझ जी है ना जिम्मे कोई 4-5 lakh का एनीमल अच्छा मिल जाता है उस तरह यह अच्छी मशीन है अच्छा सर जी तीजी गल ये आखिरी गल कि वेखण नू सोहणियां मशीनियां दे काम च कोझियां मूवमन एवें हुंदा है ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਦੀ ਲੋਡ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੇ ਗੇਜ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 13 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 HP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7 HP ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਲਫ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ 240 ਹੈ ਨਾ 12 ਇੰਚ ਉਹਦੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 9 ਇੰਚ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਨੇ ਟਿਊਬਲੈਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਗਿੱਲੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਡਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਕਈ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਨ ਮਾਡਲ ਬਾਈ ਮਾਡਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਈ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 star ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 star ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ 4 ft ਚੌੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 star ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ft ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 star ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 chain ਚੱਲਦੇ ਨੇ 3 chain ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ft ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 5 ft ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 HP 13 HP 6 HP ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਸੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ 5,85,000 ਤੱਕ ਟੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 33-35,000 ਤੱਕ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਵਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਅੱਜ
और इन अंदर कई एक मॉडल मौजूद ने जिहड़े मुख्तलिफ रेट्स ते मुख्तलिफ क्वालिटी, अगर तुसी पावर वधाउणा चाहो तो इंजन वड्डा लग सकदा, इहदा अगो मूँह चौड़ा करवाउणा चाहो तो ज़्यादा इहदा वाया हो सकदा, थोड़े वाला लैणा चाहो थोड़े वाला मिल सकदा, आदि जरूरत के पेशे नज़र मॉडिफाई करवाना चाहो तद भी राबता कर सकते जे। और ये नहीं कि चीज़ लै ली तो मुड़ के तुसी अपने घर ते सी अपने घर नहीं, किसी भी टाइम जरूरत होए पार्ट्स की जरूरत आ कोई मसला बन गया है तो सोभी एग्रीकल्चर वाले थोड़े वास्ते अवेलेबल ने, हल्की फुल्की फीस होएगी पई वो तो होनी चाहिए आ। ये नाल ही आदम मेज़बान हाफिज़ इकराम दे इजाजत, इंशाल्लाह दसना है कि वीडियो किवें दी लगी, अगर अपना लेना चाहो या कोई और लेना चाहे तो वीडियो उन्होंने भी शेयर करो जे। दोबारा नवी वीडियो के अंदर मुलाकात होएगी, उदों तक वास्ते अल्लाह हाफिज़।